आज से असेंबली के एहतजाज के मौके पर अपोजिशन जमातों के एहतजाज के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरीन को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तायनात है और इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे वजीहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त शारा फैसल पर मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी वजी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस टाइम मैं एफटीसी के मुकाम पर मौजूद हूँ और आज जो है असेंबली का इजलास है जिसके बायस जो अपोजिशन जमात है उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर भर में जो है पुलिस की जो नफरी है वो जो है अलर्ट कर दी गई है, जबकि रेड जोन के अतराफ़ अगर हम बात करें तो रेड जोन के अतराफ सख्त जो है भारी नफरी मौजूद है। शारे फैसल पर अगर ट्रैफिक की सूरत हाल की बात की जाए तो यकीन तौर पर बदतरीन जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम है पुलिस की जानिब से जो है लगाए हुए हैं, जबकि दो मुकाम पर जो पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं, एक के पी ओ ऑफिस के सामने और एक जो है नस्ला टावर के सामने भी जो है नाका लगाया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे जो पुलिस की नफरी के साथ साथ जो ट्रैफिक की रवानी है वो जो है शदीद मुतासर, जो शहरी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिनको जिन अस्पताल जाना है वो जो है कई कई घंटों तक जो है इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। इसके अलावा यही नहीं, जबकि हमने देखा कि कई जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी जो है ट्रैफिक जैम के अंदर फंस चुकी थी, जिनको जो है फिर अपनी मदद आपके तहत लोगों ने जो है यहाँ से बाहर निकाला गया है। इसके अलावा अगर हम सदर जाने वाले ट्रैक की बात करें तो मुकम्मल तौर पर जो ट्रैक है यहाँ पर ये जो है ट्रैफिक जैम की वजह से जो है शदीद मुतासर हो रहा है। अगर सदर से हम एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक की बात करें तो वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी बहाल है, लेकिन रेड जोन के अंदर जैसे ही दाखिल होंगे तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस ने जो है नाकाबंदी की हुई है, तमाम जो मुजाहरीन हैं उनको जो है हिरासत में भी लिया जा रहा है। अलबत्त यहाँ से अब तक किसी को भी हिरासत में नहीं ले गया है, लेकिन मजमूई तौर पर अब तक सिंध असम्बली के बाहर से 30 से ज़ायद अफराद हैं जिनको पुलिस ने जो है हिरासत में लेकर करीबी मुख्तलिफ थानों में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम से भी हमारी बात है, उनका कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी पुलिस के अहलकार यहाँ पर मौजूद है, जबकि ताज़ातम दस्ते हैं वो भी यहाँ पर हमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने जो है लाठियाँ पकड़ी हुई हैं, अगर मुजाहरीन यहाँ पर आते हैं तो उनको जो है फिर फौर यहाँ से पीछे हटाया जाएगा। किसी को भी जो है हुकाम का कहना है कि के पी ऑफिस से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी, रेड जोन तक जो है उनको इजाज़त नहीं है, साउथ जोन के बाहर तक जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जिस टाइम मैं इस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ईस्ट जोन का इलाका लगता है, उसके बाद जो हम अगर हम के पी ऑफिस के आगे चले तो वहाँ से जो है रेड जोन का साउथ जोन का जो है अहाता शुरू होता है, उसके बाद किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। तहम जो शहरी हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा रुल रहे हैं, उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानब से प्लान तैयार किया गया वो जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अगर हम सिंध असम्बली के अतराफ़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है, जिसके बाद शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अपडेट कर रहे थे वजीहुद्दीन, आपका शुक्रिया।